नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी न्यूज में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ हिना कुमावत। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की सबसे बड़ी खबर पर। मुंबई पुलिस आज अजीबोगरीब हालत में फंसी है। इसका कारण है एक अनोखी बैंक रॉबरी, जिसमें इंटरनेट के जरिए किसी हैकर ने दो कंपनियां पीएन फार्मा और केबी मेटल्स के बैंक अकाउंट से 550 करोड़ की रकम साफ कर ली है। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दोनों कंपनियां दरअसल मुंबई के नामी अंडरवर्ल्ड डॉन बाबू अन्ना की है, जिसके जरिए वे अपने काले धन को जायज बनाते हैं। आने वाले दिनों में देखना ये है किस इंटरनेट बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड तक पुलिस पहले पहुंच पाती है, या फिर वो डॉन जिसकी सारी पूंजी रातों रात लूट ली गई है। Yeah.
माचिस जला जला मेरे को लगा अंगार मेरे को अंगार लगा जला पुत्ता हो यंक पुत्ता हो मैं कुत्ता है एड़ा है ए बाबू अन्ना का पैसा मारा बाबू अन्ना का पैसा मारा ठीक है मारा तुम्हारा पर खर्चा किधर करेगा उसका फैमिली पे अन्ना फैमिली पे सवाल ही पैदा नहीं होता कौन कौन होएगा उसके फैमिली में उसका माँ बाप उसका बाप को काट डालो माँ को जला डालो और उसका भाई को 550 टुकड़े टुकड़े कर डालो और उसका बहन ये एड़ा यादों को लगा दो उसका बहन पे देख मैं कैसा मारता है ऐसा मारेगा कि वो साला कुत्ता मेरा पैसा को टच तो क्या सूंघ भी नहीं सकेगा वो साला कुत्ता हमको इधर मांगता है ए गिरीशा हाँ। तेरा जिम्मेवारी है हाँ। वो कुत्ता हमको इधर मांगता क्या ठीक है अन्ना जी सर यस सर 6 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ट्रेस करने में लगे हुए हैं रात भर यहीं थे कह नहीं सकते सर लेकिन ओके 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 सर सबसे पहले मैं आप ही को रिपोर्ट दूंगा ओके सर सर जवान क्या हो रहा है उस इंटरनेट केस के बारे में सर थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि वो सिस्टम्स डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस जवान हर मिनट प्रेशर बढ़ता जा रहा है पता लगाओ ये कौन है कहां से आया है और कहां छिपा बैठा है नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने उसकी अदा ने मुझको आशिक बना के छोड़ा आके मेरी नींदों में से रिश्ता जोड़ा ना उसको पता है ना उसको खबर है मैं उस पे फिदा इस कदर नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने देखी न होगी
ऐसी अनोखी दीवानगी हासिल उसको करेगी एक दिन ये मेरी आवारगी दिखना ऐसी मोहब्बत दिखाना ऐसा दीवाना नजर 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 ढूंढे उसे ढूंढी मुझे मेरी नजर तेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने मिटे 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 मैडम कितना 3 रुपए लाइसेंस को आने दो यार वो लड़की निकल जाएगी लड़की अरे घर वाली बाहर वाली ये तो सुना ये आगे वाली पीछे वाली फर्स्ट टाइम सुना अरे बाइक है बाइक को है किसी की जरूरत काई को है तुम आज कल के लड़के बहुत डैम्बिस बहुत चैप्टर यही है वो सोनिया आई एम टेलिंग यू शी इज द वन आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग पता नहीं वो हॉल दैट बीच में कहां से आ गया यार यू नो आज तक जिस लड़की को मैंने सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा था शी वाज एक्चुअली देयर वो एक्चुअली मेरे सामने थी आई मीन सॉरी आई मीन व्हाट You know, Sonia, I'm like sure कि अगर वो मुझे देखती ना तो वो भी मुझे पहचान लेती और उसको भी वही एहसास होता जो मुझे हुआ क्या I'm telling you यार Sonia मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा यार I found her she's the one मैं उससे मिलना चाहता हूँ बातें करना चाहता हूँ you know stupid हाँ तुमने अपने उस कार डील के बारे में तो बताया नहीं हाँ क्या वो उस मर्सिडीज और BMW का हाँ वो तो कल शाम को ही फाइनल हो गई यार पूरे 25 लाख मिले वो भी कैश अरे लेकिन वो सब छोड़ो ना Sonia तुम सुन नहीं रही हो I mean I've actually found her वो इसी शहर में मेरे सामने थी Sonia उसका नाम क्या होगा रिश्ते के बारे में पूछा मैंने तो ना कर दी सिर्फ इसलिए कि मैं अभी तक वेट कर रही हूँ कि स्टूपिड लड़का मुझे कब प्रपोज करेगा हाँ ठीक है तुमने एक्सेलेंट एक्सेलेंट यू डॉग ओके रिलैक्स Shut up and listen carefully, stupid. तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं सिर्फ मैं सोनिया यू माय बेस्ट फ्रेंड लेकिन ये दिल उस पे फिदा है I love you, Jay. I love you, Jay. I love you. I love you.
ਸਸਿਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਸਿਕਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ? ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਸਿਕਾ ਸਸਿਕਾ। हे वाहेगुरु सतनाम, आज मेरा चलिया पूरा हो गया है। आज 40वां दिन है। मेरी प्रार्थना सुन लो बाबा जी, मेरी मन्नत पूरी करो, मेरी मन्नत पूरी करो। लीजिए, पहन लीजिए। लेकिन ये पहन लीजिए, मैंने सेवा ठान रखी। सेवा? जी, मैंने मन्नत मांगकर सेवा ठानी है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे मिल जाए। How sweet, देखना वो तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी होती है। लीजिए, पहन लीजिए। क्या नेहा मैडम आप हैं? जी। नेहा मैडम, कौन भेज रहा है ये? पता नहीं। गॉड, देखो तुम। हाय। तुम ये गुरुद्वारे से? नहीं नहीं नहीं, गुरुद्वारे से नहीं। नहीं नहीं, तो फिर? बिली मीना, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन करते हुए डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वही डरते हैं जो गलत करते हैं। आई लव यू नेहा। या एग्जैक्टली, हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया था जब आज से 3 दिन पहले मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और देखते ही तुमसे प्यार हो गया था, और फिर पहली बार मैंने तुम्हें सलवार कमीज में देखा। देखो, मुझे तो अब तक खुद पर काबू नहीं हो रहा है। लुक, तुम आई नो, मैं जानता हूं तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए ऐसे फैसले इतनी जल्दी करना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें टाइम चाहिए ना? नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट, लेकिन सिर्फ 2 घंटे, हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। सो अभी से 2 घंटे बाद चैनल लाउंज, तुम वहां होगी, मुझे गले मिलोगी, आई लव यू कहोगी। ओके बाय, यू आर सो ब्यूटीफुल। Tonight, that's cool. Keep this party going at China Lounge. वो आने वाली है। कौन? नेहा। सुनिए, आज मैंने उसे साफ साफ कह दिया था रह लाऊं। फिर क्या? मैंने उसे सोचने के लिए टाइम दिया, पूरे 2 घंटे। 2 घंटे? Wow. I know बहुत कम है, लेकिन क्या करूं? उससे ज़्यादा उसके बिना रह नहीं सकता ना। सुनिए, ये नाम शो आने वाली है, आके मेरे गले में अपनी बाहें डालेगी और मुझे आई लव यू कहेगी। Whatever.
एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आरजू है, आशती भी अब शुरू है, आजा बे माही बे सोनिया। That's right. एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आरजू है, आशिकी भी अब शुरू है, आजा बे माही बे सोनिया। जानिया क्या किया, दे तुझे दे दिया। जानिया क्या किया, दे तुझे दे दिया। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आरज़ू है, आशिकी भी अब शुरू है, आजा बे माही बे सोनिया। You, yo girl, you know I'm in love with you. When I see you pass and I see you there, you know I gotta stop and stare. You know I gotta be everywhere. You know I gotta lot of love to share. You with me, your baby girl, it's true. Yeah, I'm in love with you. I'll tell you money, let's do funny funny. जो बचता है आशिक तड़पता है, छा जाता है एक नशा। इश्क भी है जवां जवां, तुझ पे हूँ मैं फिदा, जाने जा। सपनों की रानी तो दिल की कहानी, तो लव में ही आए मजा। एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आशिकी भी अब शुरू है, आजा बे माही बे सोनिया। जानिया क्या किया, दे तुझे दे दिया। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। आजा बे माही लेट्स डू बने बने, आजा बे माही लेट्स डू बने बने, आजा बे माही लेट्स डू बने बने, आजा बे माही लेट्स डू बने बने। तुम क्या सोच रहे थे? वो आएगी, तुम्हारे गले में बाहें डालेगी और तुम्हें कहेगी आई लव यू। स्टूपिड, ये सब चीजें सिर्फ एक स्टूपिड लड़की कर सकती है तुम्हारे साथ। मैं ना, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन जय। Thank you.
तुम आई नहीं? मैं वहां 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम आई नहीं। तुम पागल हो? पहले तो नहीं था, लेकिन जब से तुमको देखा है तब से हो गया। अब नेहा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि यू नो आई रियली लव यू नेहा। ओह गॉड प्लीज। ओह माय गॉड। फिर बोलना। फिर क्या? वो बकबक करता रहा और मैंने मुंह पे दरवाजा मार दिया। व्हाट अ क्रेजी गाय। लेकिन कुछ भी बोल यार, ही सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हे रियल लाइफ में भी ऐसे आशिक होते? मैंने तो कहीं, ये तो ही सो क्यूट। हाय। तुम सोच रही होगी कि मैं पागल हूं, सो तो मैं हूं। देखो, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, और कल रात को जिस तरह मैं तुम्हारे घर आया, मुझे नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें लेकर मेरा खुद पर काबू ही नहीं रहता। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। देखो, हो सकता है कि मेरे थैंक यू हो सकता है मेरे प्यार दिखाने का तरीका गलत हो, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, और इसे साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम कहोगे तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ कूद जाओगे, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दोगे। अगर ऐसा करने से तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन हो जाए तो मुझे मंजूर है। वेरी गुड। तो देर किस बात की? तो ठीक है, अब तक तुम पर मरता था, अब तुम्हारे लिए मर मिटना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, इस बुलेटिन में देश विदेश, खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम के दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले खास खबरें। सर्वदलीय बैठक में दागी मंत्रियों पर नहीं निकला। नेहा मेहरा? यस। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, एक्सक्यूज मी, तुम खूबसूरत हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक मिल गया। मैंने आज तक जय को ऐसी हालत में नहीं देखा। तुम्हें पता है मॉम डैड नहीं है उसके 9 साल की उम्र से ही, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को काबिल और कामयाब बनाया। और अब तुम्हें ना समझने की बहुत भारी कीमत चुका रहा है वो। मतलब? जय ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। व्हाट? अगर उसे कुछ हो गया ना, इट्स योर फॉल्ट। You can relax now. गोलियों के last traces भी हमने निकाल दिए हैं. He's out of danger. Thank God. मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं. मुझे नहीं लगता कि उसे सुबह तक होश आएगा. Okay. Thank you so much, doctor.
तुम सचमुच पागल हो, यकीन नहीं होता है कोई मेरे लिए। यूं लग रहा है जैसे मुझे एक नई पहचान मिली हो। कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है? अगर मैंने उसके प्यार को ठुकराया तो शायद इस दुनिया में मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। आई लव यू जय, आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार कहते हुए मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वही डरते हैं जो गलत काम करते हैं। मैं जानती हूं ऐसे फैसले जल्दी नहीं होते, मुझे कोई जल्दी नहीं है। I'll wait. मैं तुम्हें 2 सेकंड का वक्त देती हूं। I love you, Jay. I love you. इंतजार कर दिल मेरे ना और इंतजार कर दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क है तो इश्क का इजहार कर। I love you like crazy, I want you like crazy। जिसे रात दिन मैं पढ़ता रहा, मेरी वो कहानी है तू। मैंने तेरी बातों पे यकीन कर लिया, बाहों की बराहों में तुझे भर लिया। आजा, जा कहती है, जा कहती है, मुझ पे जान इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। love you like crazy, I want you like crazy।
पलों में बसा के रखूं, मैं तो तुझे पलकों में छुपा के रखूं। आ जा महबूबा तू, महबूबा तू मेरा एतबार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। I love you, love. Love you like crazy, I want you like crazy. जय, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना जय। हाँ यू नो सोनिया, इट्स अमेजिंग, जब से नेहा से मिला हूँ वक्त का पता ही नहीं चलता। कभी ऐसा लगता है थम गया है, कभी ऐसा लगता है भाग रहा है। अब देखो ना, एक घंटे में मुझे उससे मिलना है, लेकिन ये कांटा आगे नहीं बढ़ता। क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2-3 साल बहुत सारी मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, उसके बाद शादी वादी कर लूंगा, 7-8 बच्चे पैदा करूंगा। 7-8 बस? हाँ भाई, काम वाम पे भी तो जाना है ना। लेकिन हाँ, कहानी सुनने उनको तुम्हारे पास भेज दूंगा। अच्छा, शोले के वीरू के जैसे? राइट। फॉरगेट इट जय, ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रही हूँ जय, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। लंदन क्यों? यहाँ पे भी तो अच्छे लड़के मिल सकते हैं। मैं अंकल आंटी से बात। नहीं जय, इस शहर की हर चीज, हर जगह से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं। तुमसे अलग रहकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगी। मुझे चलना चाहिए, वरना फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। तुम अभी जा रही हो और इसके बारे में मुझे अब बता रही हो? पहले बताती तो शायद तुम्हारे रोकने पे कमजोर हो जाती। आई नो जय, तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूं, पर आज प्लीज मुझे अपने लिए सोचने दो। अच्छा चलो, मैं तुमको एयरपोर्ट छोड़ देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम इतने दूर अकेले नहीं जा सकती, प्लीज। नहीं जय, मेरी मुश्किल और मत बढ़ाओ प्लीज। I'll miss you soon. I love you. Bye. क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या हो रहा है? नेहा बात क्या, बता मुझे प्लीज। मैं नेहा बात क्या है? क्या बताती कि तुम एक क्रिमिनल की बेटी से प्यार करते हो? क्रिमिनल? हाँ जय, डैडी तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर अब मेरा भी इस दुनिया में रहना मुश्किल कर दिया। क्या मतलब?
डैडी ने अंडरवर्ल्ड से पैसे लिए थे, अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अब तक तो उसे धमकियां दे रहे थे, अब कह रहे कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस नहीं लौटा है तो वो लोग मुझे उठा ले जाएंगे। उनके बाप करा जो उठा ले जाएंगे। वो भेड़िए है जय, मैं उनके हाथ नहीं आना चाहती, इसलिए मैं अपने लेकिन यहां तुमने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, पता मुझे? तुम फिक्र मत करो, मुझे बस ये बताओ मुझे वो लोग कहाँ मिलेंगे। वो लोग बहुत खतरनाक है जय, मैंने बहुत कोशिश की उनका पैसा वापस लौटाने। तुम फिक्र मत करो ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ रुपए हैं, 25 लाख रुपए कैश। 5 लाखों की नहीं है जय, उन्हें 6 करोड़ रुपए देने। नेहा, नेहा, listen to me, नेहा, 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 everything is gonna be fine. मैं सब देख लूँगा, you don't worry. पांच साल पुराना है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से तुमने इसको अच्छा मेंटेन किया है, और ऊपर वाले की मेहरबानी से 24 घंटा पानी भी आता है। इमीडिएटली सेल करना है नहीं, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से कम 80 लाख रुपया आएगा, ठीक है नहीं? Don't worry. अच्छा है, अच्छा है, सॉलिड लगता है ना, वेस्टर्ली फेसिंग है, सी व्यू भी है, बहुत अच्छा है। यहां से समुंदर तो दिखता होगा? नहीं, नहीं, छत पर से तो का कहने में क्या जाता है, ग्राउंड फ्लोर है तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का इंतजाम है, ये अच्छा है। ओहो साहब, ये तो कमजोर है ताला, कोई बात नहीं, उतना तो हम करवा लेंगे। कोई बात नहीं, देखिए हमारे पास पार्टी है, क्या है कैश का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमको लगता है 50 में डन हो जाएगा, बात कर ले। 6 करोड़? क्या बात कर रहा है यार, 6 करोड़ तो तू ऐसे मांग रहा है जैसे 6 दिन के लिए मेरी गाड़ी मांग रहा हो। 6 करोड़ यार, 6 करोड़ का इंतजाम करना इतने कम समय में तो एक ही तरीका है, तू बैंक लूट ले। मजाक बंद करो। ओ यस, सॉरी सॉरी, 6 करोड़ यार, क्या बात कर रहा है। आर यू मैड? तुम बैंक लूटोगे तो और क्या करें? देखो हमारे पास और कोई चारा नहीं, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, मेरा घर, मेरी बाइक, सब मिला के मुश्किल से 2 करोड़ रुपए हो रहे हैं यार। मैं जानता हूं मैं क्या करूं, मैं कल सुबह बैंक जाऊंगा और उसके बाद वहां से। अच्छा, वैसे कौन सा बैंक लूटना चाहते हैं आप? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बांद्रा। नेहा मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं ये गलत, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, 6 करोड़ रुपए सिर्फ 2 दिन में अरेंज करने, थिंक अबाउट इट। हम लोग हर कोशिश कर चुके हैं नेहा, हमारे पास और कुछ, इससे अच्छा तो मुझे मर जाने देते। नेहा, नेहा, नेहा मेरी बात सुनो, एक नेहा, नेहा स्टॉप जान, प्रॉमिस मी जय, आज के बाद तुम मजाक में भी ऐसी बात नहीं करोगे, तुम्हें कुछ हो गया तो। ओके, बैंक रॉबरी कैंसिल, बस। यानी रात को कम से कम 3 होंगे, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। विक्रम साहब, इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी ऑफ सर्विस टू यू, हां ग्रेट प्लेजर। वैसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको 7 करोड़ रुपए एक साथ विड्रॉ करने पड़े? बट नो प्रॉब्लम, थैंक यू, आपका है
हम भी आपके हैं एंड हां मोस्ट इंपोर्टेंट पैसे भी आपके हैं। देखिए थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम, हां कि ये पहली बार है कि हम आपका इतना बड़ा वायर ट्रांसफर संभाल रहे हैं। आई होप दैट यू गिव अस द अपॉर्चुनिटी कि हम बहुत सारे ऐसे वायर ट्रांसफर आपके लिए फिर से करें। थैंक यू वेरी 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 मच। लगता है नेहा को दिया प्रॉमिस नहीं तोड़ना पड़ेगा, अब बैंक नहीं ये लुटेगा। शरीफ घर के लगते हो, क्यों आए थे? चोरी करने। अच्छा, गया था बैंक लूटने, वहां तुम्हें पैसे लेते देखा, सोचा क्यों ना तुम्हें लूट लो। बैंक लूटना आसान होता ना। प्लीज कम इन। बताओ मुझे, तुम्हारी जान जाती तो? जाती तो जाती, जान की मुझे फिक्र नहीं, कम से कम 6 करोड़ रुपए तो मिल जाते। ऐसी क्या जरूरत थी ये बताना, मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। That's my problem। ठीक है, जब पुलिस आएगी उन्हें बता देना।
Have some juice. No thanks. Have it. कहते हैं सेहत के लिए अच्छा है. बैठो. आज से 6 महीने पहले मैंने नेहा को पहली बार देखा था. Interesting. Very, very interesting. चलो दिए 6 करोड़ तुम्हें दिए. अब लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? अपनी जिंदगी जिसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं. मतलब देखो जय, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे जाने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकोगे, इसलिए अच्छी तरह कुछ भी करने को तैयार हूं. लेकिन मुझे पूरे पैसे 24 घंटे के अंदर चाहिए. Are you sure? Yeah. तो फिर सुन लो, तुमने शायद वो इंटरनेट रॉबरी केस के बारे में सुना होगा. हाँ, जिसमें किसी ने 550 करोड़ रुपए बाबू अन्ना के अकाउंट से इंटरनेट के थ्रू चुराए थे, राइट? करेक्ट. 6 करोड़ के बदले में तुम्हें वो कंप्यूटर हैकर बनकर अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा. लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? फायदा पकड़े जाने या फिर बाबू अन्ना के हाथों मारे जाने का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा. क्योंकि जय, वो कंप्यूटर हैकर मैं हूं. एक बार दौलत की लालच में आकर गुनाह तो कर लिया, लेकिन दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर ली. देखो जय, 6 करोड़ के लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार थे, अब तो बस सजा काटनी है. क्या सोच रहे हो जय? चलो 6 नहीं, मैं तुम्हें 7 करोड़ देता हूं सजा काटने के बाद जिंदगी काटने के लिए. मुझे मंजूर. गुड बॉय. लेकिन मुझे 7 नहीं, सिर्फ 6 करोड़ रुपए चाहिए. ठीक है, तुम्हारी मर्जी. सरेंडर कब करोगे? पैसे कब दोगे? सरेंडर कर लो, पैसे पहुंच जाएंगे. पैसे दे दो, सरेंडर कर दूंगा. ओके, फेयर इनफ. आई थिंक तुम पर भरोसा किया जा सकता है. वैसे तुम भाग कर जाओगे भी तो कहां. चलो अंदर, 6 करोड़ गिनने में बहुत वक्त लगता है. अभी पैसे लो और उनके मुंह पर मार करो. पर इतने पैसे कैसे? अपनी जान किसी के पास गिरवी रख कर. जान, तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं है. 3 साल से इंपोर्टेड कार्स का बिजनेस कर रहा हूं, कुछ तो इज्जत मेरी भी होगी. नहीं, ये सब एक ही रात में. एक मिनट, कहीं तुमने सचमुच बैंक तो नहीं? अरे तुम्हारी कसम, मैंने बैंक नहीं लूटा यार. तुमने मेरी कसम ली है. तुम्हारी कसम, मैंने बैंक नहीं लूटा. बस इतना बड़ा कर्ज हम चुकाएंगे कैसे? तुम्हारे लिए कर्ज तो क्या, अगर अपनी पूरी जिंदगी भी किसी के नाम करनी पड़े ना तो कर दूंगा. जिस दिन तक जिंदा हूं तुम्हारा ख्याल रखना ही मेरा फर्ज है. मरने की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है. ये क्या? इसे हमेशा अपने साथ रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए
याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ। आई लव यू जय। मुझे बहुत डर लग रहा है जय, पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। पागल हो गए क्या? आज तक मैंने तुमसे कभी झूठ बोला? ठीक 5:30 बजे तुम नेटवर्ल्ड साइबर कैफे में एंटर हो गए। हमेशा की तरह ज्यादातर कंप्यूटर उस वक्त ऑक्यूपाइड होंगे, पर एंट्रेंस के ठीक सामने वाले कंप्यूटर की सीट खाली होगी, वहीं तुम्हें बैठना है। बैठते ही तुम यूनिवर्सल बैंक की वेबसाइट ओपन करोगे, इधर उधर देखे बिना तुम अपने काम में लग जाओगे। बस यूं समझ लो अब तक तुम पर कुछ खास लोगों की नजर टिक चुकी होगी। मैं यहां से अपने कंप्यूटर के थ्रू इस बात पे ध्यान रखूंगा कि तुम कहां तक सही जा रहे हो। बैंक के वेबसाइट के होम पेज पर से करंट अकाउंट के पेज पर जाने के लिए तुम्हें पासवर्ड टाइप करना होगा। पासवर्ड है मैजिक 3259। बस इसके आगे क्या होगा जय, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, राइट? ऑल द बेस्ट। आई लव यू निया। जय मल्होत्रा। एसीपी सुरेश चौहान, चलें। हेलो अन्ना, अन्ना। हाँ जयंत। जी न्यूज लगा अन्ना, इंटरनेट वाला पकड़ा गया है। इसकी माँ का इस गिरफ्तारी से ये साबित होता है कि हाईटेक इंटरनेट रॉबरी के अपराधी को खोज निकालना मुंबई पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। 550 करोड़ की रकम पर गैर कानूनी हक जताने वाले जय मल्होत्रा नाम के इस मुजरिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से इस तरह लूट होना आम है। हाथ में लेके अपुन का लाइन छोड़ के क्रिकेटियर बनने का एड़ा लोगों को। अच्छा मैं कंप्यूटर वाले कुत्ते का जिम्मेवारी किसको लेने को कहा था? अन्ना मेरे को। तेरे को, तेरे को क्रिकेट खेलने का, काम नहीं करने का। मारे मुझी कहता है क्रिकेट खेलता है। तेरे से पहले पुलिस ने उस कुत्ते को ढूंढ लिया और तुम इधर क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। सुनो, कल वो कंप्यूटर वाला कुत्ता अदालत नहीं, इधर आएगा। इधर क्या? हाँ ना, हाँ। ए, ए, चल बॉलिंग डाल, डाल बॉलिंग। वापिस। कम मूव। आ गया वो। Thank you.
नेहा 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 मुझे वो जय यहाँ क्या कर रहे हो वो पुलिस मेरे पीछे पापा ने के लोगों ने मुझे गन से मारने खबरदार गाड़ी चेक करो हैरान क्यों हो रहे हो तुमने भी तो मुझे हैरान किया है जबरदस्ती गले पड़ के मिली मी नेहा मैंने पहले कभी ऐसे नहीं किया मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ आई लव यू नेहा आई रियली लव यू और मैं भी तो हैरान हुआ था जब मुझे पता चला कि नेहा के लिए तुमने नींद की गोलियां खा ली तो सोई नहीं मगर हमारी किस्मत जरूर जाग गई लो दिल और दिमाग दोनों खुल जाएंगे नो चेस हम बुरी तरह फंसे हुए थे और अचानक मेरा चलिया पूरा होते ही तुम तो मुझे गुरुद्वारे के बाहर मिले तुम तो वैसे भी नेहा के लिए मर मिटने वाले थे तो हमने सोचा क्यों नहीं तुम्हारी मौत को अपनी जिंदगी बना दे hey, बुरा मत मानो हाँ आई होप तुम समझ सकते हो कि ये सब मैंने अपने प्यार के खातिर किया है आफ्टर ऑल तुम भी तो एक दीवाने हो और ऊपर वाला हमेशा दीवानों की मदद करता है इसलिए तो तुम्हें हमारे लिए बचा लिया जय तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने दो प्यार करने वालों के लिए कितना बड़ा काम किया है पुलिस पुलिस से भागना इतना आसान होता तो क्या मैं तुम्हें यह तकलीफ देता नहीं सच कहूं पुलिस से भागकर तुमने अच्छा नहीं किया जय I'm sorry. तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया ये ड्रिंक खत्म हुआ और वो दरवाजा खुला जाओ अपनी जान बचाओ पुलिस पुलिस दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो Yes, officer. हम लोग जय नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं क्या यहाँ कोई आया है मैंने किसी को नहीं देखा है नहीं सॉरी टू डिस्टर्ब यू चलो बेचारा
यकीन नहीं है कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। उन्हें 6 करोड़ रुपए देने हैं। प्रॉमिस मी जे कि तुम बैंक नहीं आएंगे। मरने की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है। सॉरी जे। जिसको चाहा मिल गया, चैन जब से आया दिल गया, देख के तुम्हारी ये अदा, जाने मन हुई मैं तो फिदा। मैंने जिसको चाहा मिल गया, चैन जब से आया दिल गया, देख के तुम्हारी ये अदा, जाने मन हुआ मैं तो फिदा। Die.
मुझे कर दे पागल ये आंखों का काजल दीवाना करे ये हंसी तेरी उठती झुकती ये कातिल निगाहें सिखाने लगी आशिकी मुझे झूमने दे तुझे चूमने दे है मौका बड़ा दिल जी बेखबर तुझे ना ये पता मेरे इश्क का है ये नशा मैंने जिसको चाहा मिल गया हेलो मिल गए 6 करोड़ हेलो नई जिंदगी मुबारक होने विक्रम विक्रम क्या हुआ जय का फोन कोई नहीं है नेहा बिलीव मी विक्रम जय का फोन था जय मर चुका है जान जय मर चुका है उसे मरे हुए 2 महीने हो गए ए, जान, रिलैक्स, गो टू स्लीप। विक्रम जरा टॉवल देना थैंक्स इसे हमेशा अपने साथ रखना याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं
विक्रम, 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 विक्रम दरवाजा खोलो। विक्रम, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। तुमने तो मेरी जान ही ले ली। क्यों? कम ऑन, लेट्स गो सेलिब्रेट। आज हमें मिले पूरे 4 साल हो गए। ये 4 साल तुम्हारे प्यार में कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला। वो ऊपर जो मैंने ड्रेस रखा था उसे तुमने चेंज किया? मैंने नहीं तो। और वो अंगूठी और वो टॉवल तुमने मुझे दी? What are you talking about, नेहा? मैं तो बाहर था। इसका मतलब हमारे घर तक पहुंच गया। जान, कोई नहीं जानता है कि हम यहाँ हैं। रात को भी उसी का फोन था। और ये सलवार कमीज और ये अंगूठी जय ने मुझे दी है। I'm telling you, विक्रम, जय still alive। वो मरा नहीं है। वो मरा नहीं है, विक्रम। वो मरा नहीं है। Relax, relax। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। Please place your bets again, please. Love you. मैं फिर से हार गई। फिर से? तो और पैसे चाहिए? हाँ। कितने? इतने। गुड लक। थैंक यू। हेलो। मुझे 6 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे 6 करोड़ की बहुत सख्त जरूरत है सर। सर मेरी नेहा बहुत मुश्किल में। अगर उसे 6 करोड़ रुपए नहीं मिले तो उसे गुंडे उठा ले जाएंगे सर। आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना सर। Listen to me, you son of a... नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना सर। मेरी नेहा को बचा लीजिए सर। बताइए ना सर, 6 करोड़ रुपए लेने का बताइए ना। यही तो मुश्किल है कमीने। मैं जानता हूँ तू सामने नहीं आएगा। एक बार सामने आ जा, तेरी हर मुश्किल को आसान कर दूंगा मैं। जान, जान, घर पहुंच गए। कितने सारे पैसे हार गई। You're not angry, no? No, John. Don't be silly. I love you, Vikram. I love you too. कहाँ जा रहे हो? Just a minute, light on करने दो।
क्यों डर गई? इतनी जल्दी भूल गई कि वही डरते हैं जो गलत करते हैं। I've loved you like crazy. Now I'm gonna hate you like crazy. Stupid! इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? Hey, dude. कपड़े शपड़े द वर्क्स, लगता है कुछ नहीं बचा आप शॉपिंग के लिए। थैंक्स सोनिया। हे रियली आई टेल यू मैन, अगर तुम कुछ दिन और यहां रुके तो मैं तो जेलेसी से बिल्कुल मर ही जाऊंगा यार। और पता नहीं शट अप क्रिश। अच्छा तुमने खाना खाया? या थैंक्स। गुड, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और हम रेन फॉरेस्ट कैफे चलेंगे। या यू गाइस कैरी ऑन, मैं नहीं आ रहा। अरे यार कैसा दोस्त है तुम्हारा, हर बात पे ना, हर बात पे ना। नो वंडर इसने तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की को ना बोल दिया। व्हाट प्यारी? मैं तो स्टूपिड हूँ, स्टूपिड। ना मैं नेहा और विक्रम को मॉल में देखती और ना गोविंद काका को इन्फॉर्म करती और ना तुमको पता चलने पर तुम इतनी परेशानियां उठाकर यहाँ तक आते। कम से कम उस फ्रॉड लड़की को तो भूल जाते। इट्स अनबिलीवेबल, इंडियन पुलिस से भागे, अपनी लाइफ टाइम की कमाई को देकर जख्मी हालत में शिप के कार्गो होल्ड में छुप कर 2 महीने का सफर तय किया। जिंदगी से लड़ने के लिए तुमने तो मौत को भी हरा दिया यार। मैन दिस इज अ ट्रू लव स्टोरी। हर लव स्टोरी में हमेशा 2 नाम होते हैं, लेकिन मेरी लव स्टोरी में सिर्फ एक ही नाम है, मेरा। और अब उस नाम को मैंने उसकी तबाही और बर्बादी के नाम कर दिया। दिस इज नॉट अ लव स्टोरी, दिस इज अ हेट स्टोरी। फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ डायरेक्टर, थैंक गॉड तू एंजॉय कर रही है। Maybe you're not too big, but maybe this town is just too small. They say when you meet the love of your life, time stops. When Tom maybe and Eddie Baker were first married, they were blessed with a bundle of joy. Sounds wicked boring. No. I got him! नेहा, 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 बहुत शौक था ना लड़काने का। यू क्यों तकलीफ हो रही है? अगर मैं चाहता तो इस वक्त तुम्हारे सामने नहीं आनी, उसकी लाश होती। क्या चाहते हो तुम? कम टू द ब्लडी पॉइंट। अपनी जिंदगी। और अगर ना करूं तो? अगर नया बची तो जो मैं कह रहा हूं वही करो, इसी में तुम्हारी।
ठीक है जय, आज आखिर तुमने मुझे हरा ही दिया। बता मुझे क्या करना है। वही जो तुमने मेरे साथ किया, पुलिस को जाकर बता दो कि जुर्म तुमने किया है। उन्हें बता दो कि कंप्यूटर हैकर तुम हो, मैं नहीं। कब तक बुजदिलों की तरह मुझे ढाल बनाकर पुलिस से बचते रहोगे? तू जितना ज्यादा बोलेगा उतनी जल्दी इस कॉल के जरिए तेरे ठिकाने का पता चलेगा। कमीने, बोलते जा। ये खेल शुरू तुमने किया था, लेकिन इसे खत्म मैं। और हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें 6 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, समझे? हाँ, समझ गया। I got you. Good. Got you. हमने बहुत बड़ी गलती की है विक्रम। हमने इस काम के लिए गलत आदमी को चुन लिया। वो हमें नहीं छोड़ेगा। हमारी आखिरी सांस तक वो हमारा पीछा करेगा। हमें जीने नहीं देगा विक्रम। हमें जीने नहीं देगा। जीने तो तब नहीं देगा जब खुद जिएगा। जय, अब जो मैं आ गया तो समझ ले तू गया। फोन करेगा? सिटी बजाएगा? हमारे घर के अंदर घुसेगा? हॉस्पिटल गया था ना, आज तुम्हें शमशान भेजता हूं। जय मिला? हाँ। कहाँ है? गाड़ी में। हेलो हेलो बाबोना, तुम्हारा कंप्यूटर हैकर केप टाउन में जिंदा है। अच्छा, मैंने उसे एलिजाबेथ हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दिया है, अब वो तुम्हारा है। हाँ,
नेहा ख्याल रखना ही मेरा फर्ज है। अब तक तुम पर मरता था, अब तुम्हारे लिए मर मिटना है। मिल गए 6 करोड़। मिल गए 6 करोड़। ड्रिंक लोगी? Are you okay? You sure? मैं स्वेटर लाता हूँ। नेहा 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 नो नो बड़ी गलती कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या मैं पागल हो गया हूं जिस चीज से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं पागल हो गया हूं तुम्हें देखा तो दिल से पागल हो गया तुमने ठुकराया तो मैं उस चीज से पागल हो गया तुमने अपनाया तो खुशी से पागल हो गया और अब तुम्हें अपनी तरह पागल हो चुका अगर इस वक्त मैं चाहूं तो जो मन में है वो कर सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं तेरी जान चाहिए थी एक बार मांग कर देखती हंसते हुए दे देता शट अप देखा मुझे बर्बाद कर दिया तुमने मेरी जिंदगी को मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए नहीं अरे तू जैसी बेवफा को तो मैं प्यार किया गाली भी ना दूं
क्योंकि तुझे देने के लिए तो इस दुनिया में कोई गाली भी नहीं है। कमा कमा You have a table for Jai Malhotra? Yeah, over there. Benna. Gussa nahi, gussa nahi. Gussa sehat ke liye acha nahi hota. Khaas karke नेहा की सेहत के लिए। कमीने। ए, तेरा नाम पूछा क्या? लो पी लो, दिल और दिमाग दोनों ठंडे हो जाएंगे। Shut up. कहाँ है वो? अभी तक तो जिंदा है, लेकिन दो घंटे बाद क्या बता? उसे कुछ हुआ ना, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी गिरफ्तारी, पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल। मुझे मंजूर है। गुड बॉय। सरेंडर कब करोगे? नेहा को कब छोड़ोगे? सरेंडर कर दो, नेहा को छोड़ दूंगा। नेहा को छोड़ दो, सरेंडर कर दूंगा। सरेंडर करने से पहले मैं उसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूं। ओके। अंदर है, she's inside. विक्रम! नेहा! विक्रम! विक्रम! Help me! विक्रम! साला कंडर में वेट कर करके दिमाग का भी कंडर हो गया है। नेहा! आओ आओ, अभी कर डालेंगा। Full and final in forest. बाबू ना, इधर। Hey, wait. Okay. भारी पोलू मारा है। सच्ची, तेरे को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा है। Hey. इसके लिए कोई चोरी तो क्या खून करने के लिए भी तैयार होएगा। ए, तेरे को कैसा आदमी मांगता है? बोल ना, तू आदमी में क्या देखता है? तू आदमी होता तो बताती। डेरर है, डेरर, डेरे। विक्रम! नेहा! इन लोगों को माफी। गिर गई तो क्या? वेस्ट होएगा नहीं? ये इधर का हॉस्पिटल में पड़ा है, ये कबर मिलते ही हम इधर का आदमी लोगों को ड्यूटी पे लगाया, मगर ये हॉस्पिटल से वन टास। हम इंडिया से इधर को आया, फिर भी ये गुल, फिर कैसा भी करके हमारा इधर का गोरा कुत्ता लोग इस चिकने को सूंघ के निकाला है। टीवी पे बिल्कुल अलग दिखता है रे, कंप्यूटर पे उंगली मारते मारते तो मेरे से उंगली किया। अच्छा ये बता, मेरा पैसा तू कैसा वापस करेगा? कंप्यूटर के थ्रू या रोकड़ा देगा? पैसे मेरे पास नहीं। तो पैसे इसके पास, कंप्यूटर आके ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसी ने पैसे चुराया फिर मुझे पुलिस के साथ फंसवाया। He is lying. I'm not lying. I'm telling truth. बकवास बंद कर। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। बाहर गाँव आके
आपस में लड़ने का नहीं, अपना देश का नाम खराब होता है। तू पैसा नहीं लिया? नहीं। तो फिर तू कुछ काम कर। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कहता रहेगा कि वो पैसे मेरे पास थे। बराबर, फिर इसको उड़ाता है। नहीं, इसे नहीं, इसके साथ तुम्हारे पैसे भी जाएंगे। फिर तो एक ही तरीका है, बॉम्बे। नो, वेट, अगर तुम उसे मार दोगे तो इसकी जबान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। तो फिर क्या खुद को उड़ाऊं? बो भाड़ में गया पैसा। बाबू ना, ये सच कह रहा है। कंप्यूटर हैकर मैं। अब जाके काम का बात किया है। चल आजा, आजा, आजा। ये देख, सब बंदोबस्त है, इधर लग जा काम पे। बाप रे, ये तो एकदम बाउंसर है। अपने टाइम में अच्छा था, बंदूक लेके जाने का और लूट डालने का एकदम इजी। प्रोसेस होने में 5-7 मिनट लगेंगे, तब तक मैं इसे निपटना चाहता हूं। तुझे सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तेरी जिंदगी का मतलब मेरी आजादी। अब चल, तू मरेगा, देखते हैं। पड़े रहे, इस बार टूटा तो दुनिया से उड़ जाएगा।
मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। Give me my life back. तूने अपनी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कर के लिए मुझे जेल में डालेगा। तुम दोनों ने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। दो या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है तेरे पास। Don't be mean, Vikram. Poor thing. भूल गए? पिछली बार भी यही सोचा था हमने। तुम क्यों लौट आए? तुम्हारी जरूरत कैसे है? हाँ यार, ये सब कब तक चलेगा? मैं मारता जाऊंगा, तू हारता जाएगा। You're such a loser, Jay. Vikram, actually, इसकी कोई गलती नहीं है। ये मुझसे इतना प्यार करता है कि जाना इतना आसान थोड़ी ना है। और वैसे भी उसने ये सब मेरे लिए किया है। So sweet of him, ना? But you know what? तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। ना प्यार, ना हमदर्दी, ना रहम। I'm sorry, Jay. दिल में कुछ नहीं, दिल है क्या? तू मारता जाएगा, मैं हारता जाऊंगा। चल इस आखिरी बार देखते हैं कौन मरता है और कौन हारता है। ये साली थी ऐसी, कल मुझे छोड़ के गई, आज तुझे। लेकिन एक बात है, हम दोनों का हिसाब पूरा करके गई। कल मेरे पास प्यार था, पैसा नहीं। आज तेरे पास पैसा है, प्यार नहीं। अब तू 550 करोड़ बन मरेगा। रोज मुझे याद करेगा। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। भ्रष्टाचार, भेदभाव और मोहग्रस्त जमाने में कहीं न कहीं नेक दिली और इंसानियत जिंदा है, और इस बात को साबित किया है एक बेनाम फरिश्ते ने। मुंबई के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में इस अनजान व्यक्ति ने करीब 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जी न्यूज के संवाददाताओं से खास मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे देश को ऐसे भावुक और दयावान नागरिकों की जरूरत है, जो बिना किसी संकोच, शोर शराबे या राजनीतिक उद्देश्य के समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं।
भले ही इस दानवीर का नाम या चेहरा कोई न जानता हो, पर एक बात तो निश्चित है कि इन्हें लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी। अर्चना पांडे, जी न्यूज, मुंबई।